जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका मेरे इस छोटे से चैनल पर स्वागत है। श्री कृष्ण आप सब पर कृपा बनाए रखे और आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। अगर आप श्री कृष्ण के आदर्शों को फॉलो करते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और अपनी मनोकामना भी कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिए और सभी कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे कृष्ण कहते हैं, रिश्तों का स्वाद हर रोज बदलता रहता है, मीठा, नमकीन या खारा, बस ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम प्रतिदिन अपने रिश्ते में मिला क्या रहे हैं। विचारों को परकर छोड़ देने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। विचार तभी बदलाव लाते हैं जब विचारों को जीवन में उतारा जाता है। जीवन में अपमान, असफलता और धोखे जैसी कड़वी बातों को सीधे गटक जाए, अगर उन्हें चबाते रहेंगे यानी याद करते रहेंगे तो जीवन कड़वा ही होगा। जिंदगी में दो बातों की गिनती करना छोड़ दे, खुद का दुख और दूसरों का सुख, जिंदगी आसान हो जाएगी। आनंद एक आभास है जिसे हर कोई ढूंढ रहा है। दुख एक अनुभव है जो आज हर एक के पास है। फिर भी जिंदगी में कामयाब वही है जिसको खुद पर विश्वास है। विनम्रता ही श्रेष्ठता की पहचान है। कोई कितना ही ऊंचे पद पर क्यों न हो, अगर वो व्यक्ति विनम्र नहीं है तो वो श्रेष्ठ नहीं है। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। कोशिश यह होनी चाहिए कि हम सदैव समाधान का हिस्सा बने, समस्या का नहीं। जिंदगी एक आईने की तरह है, ये तभी मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराएंगे। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी है जो आपको रोकता या टोकता है तो एहसान मानिए, क्योंकि जिस बगिया में माली नहीं होता वो बगिया जल्द ही उजड़ जाती है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेके आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देके जाती है। अभिमान को कभी आने मत दो और स्वाभिमान को कभी जाने मत दो। अभिमान तुम्हें कभी उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। वक्त और हालात सदा बदलते रहते हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते और सच्चे दोस्त कभी नहीं बदलते। जिंदगी मिली है जीने के लिए, उसको हंस के जियो, क्योंकि आपको खुश देखकर हम भी तो खुश होते हैं। खुशी के फूल उन्हीं के झोली में गिरते हैं जो अपनों से अपनों की तरह मिलते हैं। जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखाना बंद हो जाएंगे। जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्या दिखनी बंद हो जाएगी। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। अगर ग्लास दूध से भरा हुआ है तो आप उसमें और दूध नहीं डाल सकते, लेकिन अगर आप उसमें चीनी डाले तो चीनी अपनी जगह बना लेती है और अपना होने का एहसास दिलाती है। ठीक उसी प्रकार अच्छे लोग हर किसी के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। खुद के ऊपर विश्वास रखो, फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा कि घड़ी दूसरे की होगी और समय आपका। जिंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नजर अंदाज से। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर न पहुंच जाओ। सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म भी जरूरी है। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है।
जीवन में आप जो करना चाहते हैं तो उसे अवश्य करें, यह मत सोचे कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। सिर्फ आपके पाप ही आपको दुखी कर सकते हैं, जो आपको अपने आप से दूर ले जाने का प्रयास करते हैं। ऐसी चीजों की अनदेखी करना ही बेहतर होता है। यदि आपको बहुत बार गुस्सा आता है तो आपको गुस्से पर अधिक ध्यान देना चाहिए, जिससे गुस्सा गायब हो जाए और उसकी ऊर्जा करुणा बन जाए। बुरे मन से युद्ध में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप लड़ने जा रहे हैं तो अपने पूरे दिल और आत्मा से लड़े, अन्यथा बेहतर है कि आप बिल्कुल भी न लड़े। सफलता यह नहीं है कि आप कितने ऊंचे चढ़े हैं, यह वह है जो आपको खुशी का अनुभव कराता है। सकारात्मक रहने का मतलब यह नहीं है कि आपको हर समय खुश रहना है। इसका मतलब यह है कि कठिन दिनों में भी आप जानते हैं कि बेहतर दिन आ रहे हैं। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से छुटकारा नहीं पा लेते, तब तक आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो अपने सपनों में विश्वास करते हैं और उन्हें हासिल करने के तरीके ढूंढते हैं। कोई फैसला सोच समझ कर लेना, फैसले का तुम्हारे भविष्य पर क्या असर होगा यह भी सोच लेना। वही करें जिससे आपका दिल खुश हो, न कि आपकी आंखें खुश हों। इससे आपको अस्थाई खुशी मिलती है, न कि स्थाई। दूसरों में अच्छाई देखना शुरू करें, तब आपको एहसास होगा कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। अतीत में जो हो चुका है उसकी चिंता करना बंद करें, अपनी ऊर्जा को अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए लगाएं। जीवन कभी भी वारंटी और गारंटी के साथ नहीं आता है, लेकिन यह इसे सफलता में बदलने की संभावना और अवसर प्रदान करता है। कभी हार मत मानना, आज मुश्किल होगा कल और भी मुश्किल होगा, पर कल के बाद आने वाला कल जरूर सुनहरा होगा। अपनी किस्मत पर नहीं बल्कि खुद पर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, क्योंकि मेहनत ही आपकी किस्मत को बेहतर बनाती है। जो शुद्ध होता है वो शांत होता है, और जो अशुद्ध होता है उसे शुद्धता साबित करने के लिए शोर मचाना पड़ता है। आप जो कुछ भी पढ़ते या सुनते हैं उस पर विश्वास न करें। याद रखें कि हमारी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा कल्पना से बना है। असफलता आपको विनम्र बनाती है और आपको एक रियलिटी चेक देती है जो आपको और अधिक मजबूत बनाती है। आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, बस यह महसूस करना है कि आप बेहतर कर सकते थे। सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, यह कड़ी मेहनत, त्याग, जुनून और आप जो कर रहे हैं उसके लिए प्यार है। मस्तिष्क एक अद्भुत अंग है, सुबह उठते ही यह काम करना शुरू कर देता है और तब तक नहीं रुकता जब तक आप सो नहीं जाते। सफलता की कुंजी हमारे चेतन मन को उन चीजों पर केंद्रित करना है जो हम चाहते हैं, न कि उन चीजों पर जिससे हम डरते हैं। द्वार खोलने में शिक्षक आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आपको स्वयं उसमें प्रवेश करना होगा। जिंदगी में किसी को इतनी अहमियत मत दो कि वो आपकी अहमियत तक समझे न। जिंदगी सबको मौका देती है, किसी की जिंदगी संवार देती है तो किसी की जिंदगी बिखेर देती है। हर किसी के लिए नहीं बल्कि सपने के लिए जियो। जिंदगी में सफलता का अमृत पीना है तो पहले असफलता का विष भी पियो। जो आपके सबसे करीब होता है वही आपको सबसे ज्यादा दुख देने का सोचता है। जिंदगी उसके साथ बिताना जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाए, न कि सिर्फ खूबसूरत बातें बनाए। जिंदगी बदलनी है अगर खुद का व्यवहार बदलो। जिंदगी खूबसूरत बनाने के लिए खुद के नकारात्मक विचारों को बदलो। जिसे तुम्हारी कद्र नहीं उसकी तुम सिक्र न करो। जिंदगी बिगाड़ दी जिसने उसका अपनी बातों में भी तुम जिक्र न करो। कोरा कागज है तुम्हारी जिंदगी, जो भी तुम लिखोगे इस पर वैसी ही बन जाएगी तुम्हारी जिंदगी।
किसी की नहीं चलती जिंदगी के आगे, वही चला सकता है जिंदगी जो जिंदगी की दौड़ से न भागे। जिंदगी जीनी है तो पहले खुद को तलाश लो, जो भटकाए तुम्हारा मन उन सब से तुम संन्यास लो। जिंदगी की नदी आसानी से पार नहीं होती, किसी की कश्ती डूब जाती है तो किसी की कश्ती तैर जाती है। सीखना है तो जिंदगी जीने का हुनर सीखो, क्योंकि जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। साइकिल के दो पहिए हैं, इसलिए संभलकर चलानी पड़ती है, पर जिंदगी के तो पहिए ही नहीं है तो सोचो उसे कितना संभलकर चलाना पड़ेगा। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, स्वयं अच्छे बन जाओ, आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। दुनिया में एक ही चीज फ्री मिलती है, वो है टेंशन। जो इससे दूर रहता है वही सफल होता है। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। जिंदगी एक आईने की तरह है, यह तभी मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराओगे। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है तो सभी अंधकारों को मिटा देती है। दिल भूत और भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानता है, यह केवल वर्तमान के बारे में ही जानता है, इसलिए दिल के लिए समय जैसा कुछ भी नहीं है। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता, हार इसमें है कि हम खुद अपने आप को नहीं पहचान पाते। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं? इसी में जीवन की सार्थकता है। अहंकार भी आवश्यक है, जब बातें अधिकार चरित्र और सम्मान की हो तो। निकलता है हर रोज सूरज ये बताने के लिए कि उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है निरंतर बढ़ते कदम, यही एक दिन आपको मंजिल तक ले जाएंगे। सफल होने के सैकड़ों रास्ते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी सफलता का रास्ता खुद चुनना पड़ता है। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। अपनी बातों को सदैव ध्यानपूर्वक कहे, क्योंकि हम तो कहकर भूल जाते हैं, लेकिन लोग उसे याद रखते हैं। आपकी असली पहचान आपकी काबिलियत से होती है, आपकी शक्ल सूरत से नहीं। कभी किसी की बुराई मत करो, बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। अच्छी जिंदगी जीने के बस दो ही तरीके हैं, एक जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म भी जरूरी है। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआ, उतना मीठा जल मिलता है। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए, इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी आसान हो जाती है। शीशा कमजोर बहुत होता है, मगर सच दिखने से घबराता नहीं है। जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे, और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। किताबों की अहमियत अपनी जगह है जनाब, सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। एतबार जरूर करें दूसरों पर, लेकिन किसी को मौका ना दे कि वो आपको अंधा ही समझने लगे। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें ही होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। यूं असर डाला है
मतलबी लोगों ने दुनिया पर। हाल भी पूछो तो लोग समझते हैं कि कोई काम होगा। अगर आप खुद ही खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से हमें सफल होने और जीवन को सही ढंग से जीने के हथियार मिलते हैं। भूल जीवन का एक पेज है और रिश्ते पूरी किताब। जरूरत पड़े तो भूल का एक पेज फाड़ देना, लेकिन एक छोटे से पेज के लिए पूरी किताब नहीं। मनमुटाव और नदी का उद्गम बहुत छोटा होता है, किंतु जैसे जैसे यह आगे बढ़ते हैं विशाल रूप धारण कर लेते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता है। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, किंतु उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान के भी टुकड़े कर देता है। जब तक एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तब तक कोई भी नहीं गिरेगा, चाहे व्यापार हो, परिवार हो या फिर समाज। समय हमें कुछ भी अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं देता, लेकिन अपने बाद कुछ अमूल्य छोड़ जाने का अवसर पूरा देता है।